गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था रिटेलिंग कॉन्सेप्ट्स का, और आई थिंक ये यहाँ तक हुआ था टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने करना है फीचर्स तक हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन या रिटेलर के बीच में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कॉम्पिटिशन उनके बीच में ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। तो इट इज़ अ सिचुएशन जिसमें जो रिटेलर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, है ना, और उसकी वजह से वो कई बार प्राइस वॉर भी चल जाती है उनके बीच में, कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्राइजेस कम कर देते हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक इंटर टाइप। हॉरिजॉन्टल को हम इंटर टाइप भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो एक ही लेवल के जो चैनल मेंबर्स हैं या वी कैन से रिटेलर्स हैं उनके बीच में होता है, जैसे दो या दो से ज़्यादा जो फ्रेंचाइजी हैं उनके बीच में आपस में जो कंपटीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उन रिटेलर्स के बीच में होता है जो एक ही मैन्युफैक्चरर के ब्रांड्स को सेल करते हैं, है ना, उनके पास एक ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके गुड्स होते हैं और वो एक ही एरिया में होते हैं, है ना। तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, उनका आपस में तो लॉस होता है, तो इसकी वजह से वो कई बार क्या करते हैं, डिस्काउंट उनको ज़्यादा देना पड़ता है, है ना। तो जैसे एक देखो, एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अमेरिकन जो बुक सेलर है उन्होंने भी क्या किया था, उन बुक सेलर जो बार्न्स एंड नोबल्स उनके अगेंस्ट एक केस उन्होंने फाइल किया था, जिसमें उन पर पब्लिशर से उनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था और उन्होंने जो है वो अनएथिकल उसके ऊपर डिस्काउंट मांगने का आरोप लगाया था, मांगने का उन्होंने उसके ऊपर केस फाइल किया कि उन्होंने जो है वो भारी डिस्काउंट दे दिया इस पब्लिशर ने, जिसकी वजह से जो अदर जो पब्लिशर थे, अदर जो बुक सेलर्स थे, उनको जो है वो प्राइस वॉर का सामना करना पड़ा था, है ना। तो इस तरीके से जो है प्राइस वॉर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा टाइप। वी कैन से कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि सेम लेवल के जो रिटेलर्स हैं उनके बीच में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा टाइप कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड देखिए, सेकंड है इंटर टाइप। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स के बीच में होता है, है ना। तो वी कैन से जैसे ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट है और मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट है, उनके बीच में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर टाइप, है ना। जैसे अगर हम बात करें ये हुकर्स की, जो वेजिटेबल हुकर्स हैं उनका कॉम्पिटिशन अगर कराया जाए रिलायंस के साथ या ग्रोफर्स के साथ जो वो वेजिटेबल सेल करते हैं, तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या कहलाएगा, इंटर टाइप, क्योंकि इसमें जो नेचर ऑफ द रिटेल स्टोर है ना वो दोनों अलग होते हैं। इसी तरह से जो ग्रोसरी आइटम्स की शॉप है ना, उसको अगर हम देखें कि वो भी कंपटीशन में रहते हैं किसके साथ, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो रिटेल स्टोर है उनके साथ, तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहलाता है इंटर टाइप कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना होता है। अब देखिए, इसके क्या रीज़न्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ जाता है। तो इनके सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या होते हैं, कि सबसे पहला कि जो रिटेलर्स हैं वो अपने प्राइजेस को कम करना शुरू कर देते हैं ताकि कस्टमर्स उनके पास आएँ, तो प्राइस वॉर चल जाती है। सेकंड, अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो उसमें वो क्या करते हैं, कई बार मिसगाइड भी करते हैं कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो किस लिए कि ताकि कंज्यूमर्स उनके पास आएँ, है ना। बाद में जाके उनको ये पता चलता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, एज़ यू नो कि हर एक के साथ दिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो उस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी की जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और वी कैन से कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज भी कई रिटेलर प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो लॉस में भी चले जाते हैं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसी तरीके से कई बार वो अपने एरिया जो उन्होंने पहले एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ था कि इस एरिया में उन्होंने सेल करना है, वो अपने एरिया को ही क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉसिंग द असाइंड टेरिटरी एंड सेलिंग इन अदर रिटेलर्स एरिया, जो दूसरे रिटेलर्स के जो एरिया हैं वहाँ पर भी वो सेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दूसरे रिटेलर्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है। तो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जाती हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए या अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ये भी इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। और इसी तरीके से व्हेन मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिस मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, जो भी आया था कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी भी मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट करते हैं, जैसे सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है उसने अपना रिटेल स्टोर भी खोला हुआ है, वहाँ पर भी वो सेलिंग कर रहा है और होलसेलर्स को भी सेल कर रहा है और रिटेल सेलर्स को भी सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली सबकी जो प्राइजेस हैं वो अलग अलग होंगे, तो कंज्यूमर्स कहाँ जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स के रिटेल स्टोर पर, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब देखिए, इसका क्या सोल्यूशन है।
इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं रिटेल चैनल के। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन सबसे बड़ा यही है, चैनल लीडरशिप, कि अगर कोई बड़े बड़े जो है वो रिटेलर्स हैं तो वो इसको ख़त्म कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, जैसे वॉलमार्ट है, ये टारगेट है, है ना, ये ग्लोबल मार्केट में मतलब लीडरशिप पोजीशन में है ये, तो अगर ये चाहें तो कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं इनके जो रिटेल स्टोर हैं उनको, कि आपस में कंपटीशन नहीं करना है, सबके रेट सेम होने चाहिए, है ना, प्राइस वॉर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर ये इनको इन्फ्लुएंस करेंगे, अपनी पावर दिखाएंगे, तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो सकता है। सेकेंड इज़ एडॉप्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, कि जो चैनल मेंबर्स हैं, रिटेल चैनल के जो मेंबर्स हैं, वो खुद अपने खुद टारगेट सेट कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर वो आपस में ही एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। जैसे सपोज़ आपस में ही वो कर लेते हैं कि, जैसे आपने देखा होगा अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो कई बार आप किसी भी वेजिटेबल वाले से पूछे रेट सेम होगा। आपने पूछा टमाटो क्या रेट है, 30 रुपीज़ केजी, हर वेजिटेबल जो सेलर है उसने यही बताया। तो इट मीन्स उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो जो है वो इससे कम पर नहीं बेचेंगे। तो इस तरह से सुपर ऑर्डिनेट जो गोल्स हैं उसको अडॉप्ट करके भी इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। एंड थ्रू कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू भी, कि जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप उस रिटेलर से जाकर बात कर सकते हैं, है ना, उससे भी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और इस तरह के आप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जो जैसे भी पीछे प्रॉब्लम आई थी कि मल्टीपल जो रिटेल स्टोर खोल लेते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर, उनको भी आप कन्विंस कर सकते हैं कि डिफरेंट आइटम सेल की जाएं। अगर वो अपने रिटेल स्टोर खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह के आइटम जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनको कम रेट पर सेल किया जाए, कंज्यूमर्स को बताया जाए कि इन आइटम्स में ये कमी है जिसकी वजह से उनको ये कम रेट पर दी जा रही है, और जो गुड प्रोडक्ट हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं, वो होलसेलर्स या रिटेल सेलर्स को ही सेल करने के लिए दिए जाएँ, है ना। तो इस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉपरेशन विद अदर रिटेलर्स। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो जितने भी रिटेलर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो उनकी तो अपनी शॉप होती है, वहाँ पर उनको कॉपरेशन की एज सच ज़रूरत नहीं होती। बट मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, टू और मोर देन टू जो रिटेलर्स हैं वो एक ही टाइम पर इकट्ठा मतलब काम करना शुरू करते हैं, और उनको एक दूसरे से कॉपरेट करना चाहिए, और वो कॉपरेट करने के लिए एग्री हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो वी कैन से जो कॉपरेशन है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो रिटेलर्स फॉलो करते हैं, और जो रिटेलर्स हैं वो आपस में कंपटीशन को वी कैन से कि स्थगित करने के लिए, कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, है ना। इस तरह की स्ट्रेटजी को वो अपनाते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं, ताकि उनको ये लगे कि उनके जो प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट उनके कंटिन्यूटी में होते रहें, और जो कंज्यूमर्स हैं वो इसका बेनिफिट ना उठाएं। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एक कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वीए टेक्नोलॉजी, उन्होंने कुछ चाइना जो कंपनी है उनके साथ कॉपरेशन किया, और उनको ये कहा कि नेटबुक्स आपने बनानी है और आपने सेल करनी है, जितनी नेटबुक्स उनकी ज़्यादा सेल होंगी उतने ही कंप्यूटर चिप्स जो वीए टेक्नोलॉजी के होंगे वो ज़्यादा सेल होंगे, है ना। तो उन्होंने आपस में कॉपरेट किया, कॉपरेशन था इनका, इसकी वजह से दोनों कंपनियों को ही बेनिफिट हुआ, है ना। तो इस तरह से कॉपरेशन करके जो कंपनीज हैं वो आपस में इस प्राइस वॉर को भी रोक सकते हैं, और इसी तरीके से जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको भी रोक सकते हैं। तो अब देखिए किस तरह से ये जो कॉपरेशन किया जाता है उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है। सबसे पहला स्टेप इसमें यही आता है, प्रिपरेशन ऑफ कॉपरेशन स्ट्रेटजी, कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आपने किस तरीके से कॉपरेट करना है, एक एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, है ना। फिर आप ये देखेंगे कि आपने कॉपरेशन करना किस किस के साथ है, पोटेंशियल जो कॉपरेटर्स हैं जिसको आपको लगता है कि जिनसे आपको साथ मिल जाएगा, जो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर आप उनको सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ साथ उनके साथ आप कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, है ना। और नेगोशिएशन करने के बाद जहाँ पर आप दोनों पार्टी, दो या तीन पार्टी जो भी हैं वो एग्री हो जाती हैं, तो फिर आप एग्रीमेंट तैयार करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट। फिर जो एग्रीमेंट तैयार हुआ उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे सबके, है ना, कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं, जस्ट लाइक अबाउट द
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, वो भी तैयार हो जाती है। एंड अदर थिंग भी, जैसे कई रिटेलर्स ये कहते हैं कि हम अपने एरिया में सेल करेंगे, आप अपने एरिया में सेल करना, आपके एरिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे और आप हमारे एरिया के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट मत करना, तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फिर उनको एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरह से कॉपरेशन जो है वो तैयार किया जाता है, कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो रिटेलर्स इस कॉम्पिटिशन को या इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए करते हैं। आप देखिए इसके क्या फीचर्स हैं कॉपरेशन के। सबसे पहला कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, कि एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी है जिसमें कि मेन पर्पस क्या होता है, कंपटीशन को ख़त्म करना, या वी कैन से कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर ना हो। तो एक बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो एक से ज़्यादा जो रिटेलर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं फॉर ग्रोथ, कि ग्रोथ के लिए। सेकेंड देखिए कॉम्पिटिशन वर्सेज कॉपरेशन, कि जो स्ट्रेटजी है वो कॉम्पिटिशन वर्सेज कॉपरेशन पर बेस्ड है, है ना। यहाँ पर प्रेजेंट में जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं रिटेल स्टोर का या रिटेल कॉपरेशन का, उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज उनको हो सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो हर पार्टी को ही या जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं सबको ही बेनिफिट होगा। मॉडर्न वे ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का मॉडर्न वे है और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ना, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, कि इसमें दो या दो से ज़्यादा जो रिटेलर्स हैं जो इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है और वो न्यू कंज्यूमर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज कि आई डोंट थिंक कि कोई रिटेलर ऐसा होगा जिससे इसको डिसएडवांटेज होगा। तो देखिए जैसे सपोज़ कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आप परचेज करते हैं, बिस्किट परचेज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं, तो उस पर MRP लिखा होता है, है ना। तो वो आपस में एग्रीमेंट में ये फिक्स कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं, इससे कम पर आप नहीं देंगे, मतलब आप अपना प्रॉफिट कितना लेंगे, उस मार्जिन को आप कितना कम कर सकते हैं, इस तरह का एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो फिर जो है वो उसको फॉलो करते हैं, तो उससे बेनिफिट जो है वो सभी को होता है। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बेनिफिट्स ऑफ कॉपरेशन। तो ऑब्वियसली सबके लिए बेनिफिशियल है, है ना। सबसे पहला, इट्स ए कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपस में ये मिल जाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर किसी भी शॉप पर चले जाएँ सेम प्राइस मिलेगा, तो फिर कंज्यूमर की अपनी खुद की डिज़ायर हो जाती है कि वो कहाँ जाते हैं। नो कॉम्पिटिशन अमंग रिटेलर्स, है ना, रिटेलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होता या कम हो जाता है, और वो किसी बिना किसी वजह से या जो प्रॉफिट के लिए ये पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है सबको वो एक जैसा मिले। और बेनिफिशियल टू ऑल द रिटेलर्स, जितने भी रिटेलर्स हैं उनके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, है ना। जैसे इन्होंने बताया विंग स्ट्रीट ने, जो कि एक रिटेलर है, उन्होंने 1000 स्टोर्स खोलने में 5 साल लग गए, है ना। वो इसलिए लग गए कि इनके बीच में कॉपरेशन नहीं था, लेकिन अगर आप बात करें पिज़्ज़ा हट की, इनके बीच में कॉपरेशन था और इन्होंने 3 साल में ही 4000 रिटेल स्टोर खोल दिए, है ना, क्योंकि इनका आपस में ही एग्रीमेंट था कि जैसे बताया प्राइजेस को लेकर, क्वालिटीज़ को लेकर, जो फ्रेंचाइजी इन्होंने दी उसमें सारी चीज़ें फिक्स थी, है ना। तो इनके बीच में क्या था, कॉपरेशन था, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी हुई। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अचीविंग कॉमन गोल्स, कि जो रिटेलर्स हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना, तो कॉपरेशन से हम ये जो हमारा टारगेट है इसको हम अचीव कर सकते हैं। नो प्राइस वॉर बिटवीन रिटेलर्स, कि अगर इस तरह का कॉपरेशन होता है तो उनके बीच में प्राइस वॉर नहीं होती, है ना, और वो आपस में इजीली कॉपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे में की हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी है पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की जा रही है, ताकि जो रिटेल स्टोर है या रिटेल जो मार्केट है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट।